हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम तीन अंडर 15,000 मोबाइल को कंपैरिजन करने वाले हैं। उसमें एक इन्फिनिक्स का नोट 35G है जो हमारे पास है अभी अवेलेबल, ठीक है, और हमारे पास है रियलमी 11X, और तीसरा जो हम करने वाले हैं वो है मोटो G54 5G। तो इन तीनों फोनों को आज हम कंपैरिजन करेंगे, और फिर उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे थे कि इन तीन मोबाइलों में हमको कंफ्यूजन हो रहा है। तो बताइए कि हम कौन सा मोबाइल लें, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। तो आज की वीडियो में उन्हीं को बताने वाला हूं कि आपके लिए क्या बेस्ट होने वाला है अंडर 15,000, वो भी सिर्फ तीन मोबाइल में जो कंपैरिजन करने वाला हूं उसके बारे में। ठीक है गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले हम बात करने वाले हैं रियलमी 11X की। इसमें मैं आपको फीचर्स बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं जो आपके इन्फिनिक्स नोट 35 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। गाइस, इसलिए वीडियो को पूरी देखना, आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा गाइस। ठीक है, पहले रियलमी 11X की हम बात कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, एक तो इसमें आपका 6GB रैम के साथ आता है, दो वेरियंट आ रहे हैं इसके, और एक 8GB के साथ भी आता है गाइस। ठीक है, 8GB के साथ भी आता है। आपको दो कलर देखने को मिलेंगे, एक पर्पल डाउन करके और एक आपको मिडनाइट ब्लैक करके मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गई इसकी कलर की बात। और जो इसकी प्राइस है, 15,999 रुपए का फ्लिपकार्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, और देखिए जो 8GB रैम है ना, वो सिर्फ मैं आपको 128GB के साथ मिलेगा, ये आपको देखना है ध्यान से। देखिए 8GB रैम और 128GB रोम के साथ, और इसकी कीमत कितनी है, 15,999 रुपए। अब ध्यान से लिखना भी क्या क्या होने वाला है। और इसका जो प्रोसेसर है Dimensity 6600 ऑक्टा कोर का 2.2 GHz का। ठीक है, और जो इसके पीछे के कैमरे है गाइस, पीछे कैमरे इसके कितने, 64 MP के और प्लस 2 MP का कैमरा है, और फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा इसमें 8 MP का। ठीक है, और जो इसके डिस्प्ले है गाइस, वो है 6.72 इंच की मिलेगी आपको, 5000mAh की इसमें बैटरी मिलेगी, और नेटवर्क टाइप आपका 5G मोबाइल है तो 5G आपको देखने को मिलेगा गाइस। ठीक है, ये तो ठीक है, और आपको ड्यूल सिम मिलेंगे एक्सपेंडेबल में स्ट्रॉक, तो गाइस इसमें आप अपनी स्टोरेज को बढ़ा सकते हो। ठीक है, मेमोरी कार्ड डालकर, और गाइस इसमें क्विक चार्जिंग ये नहीं है। ठीक है, और 1 ईयर की जो मिलती है इसकी वारंटी, वो आपको मिल जाएगी गाइस। और गाइस ये इसकी फोटोज है जो आप देख सकते हैं। कैमरा इसका काफी में बढ़िया क्वालिटी है इस कैमरे की। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे मोबाइल के बाद में, क्योंकि आपको ना इसे सारे मोबाइल को कंपैरिजन करना है, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा आपको बेटर मिल रहा है कम रुपीस में। ठीक है, तो गाइस अब आ गए हैं हम मोटो के पास। ठीक है, तो गाइस इस मोबाइल का नाम है आपका मोटरोला G54 5G, जो कि मुझे कमेंट में पूछा गया था कि मोबाइल कैसा है, ठीक है, इन्फिनिक्स को टक्कर दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो गाइस इसको हम देख लेते हैं गाइस, ये दिखने में कुछ आपका इस टाइप का दिखेगा। इसमें देखिए 12GB रैम है इसकी, और प्लस 256GB मेमोरी दे रहा है। ठीक है, और 50 MP का कैमरा, और 6000mAh की इसकी बैटरी। अभी देखते हैं इसकी डिटेल्स पूरी, और देखो इसकी कीमत कितनी है, 16,999, जबकि रियलमी की कितनी थी, 15,999 रुपए, यानी कि उससे 1000 महंगा है। देखिए 12GB रैम मिलेगी, 256GB रोम मिलेगी, और डायमेंसिटी देखो इसका, देखो 7020 का मिलेगा, ऑक्टाकोर 2.2 GHz इसका प्रोसेसर है। ठीक है, और रियर कैमरा इसका देखो 50 MP प्लस 8 MP, फ्रंट कैमरा 16 MP मिलेगा, और डिस्प्ले इसकी रियलमी वाले से थोड़ी सी छोटी है, ज्यादा नहीं है, 6.5 पे उसकी 6.7 थी। ठीक है, और LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, और 6000mAh की इसमें बैटरी आपको देखने को मिलेगी। 5G मोबाइल है तो 5G आपको देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, और मेमोरी को आप बढ़ा सकते हो मेमोरी कार्ड डालकर। ठीक है, और 33W का आपको इसके संग चार्जर मिलेगा। ठीक है, और गाइस कुछ इस तरीके की इसमें पिक्चर शूट की गई है, और कैमरा क्वालिटी ठीक है इसकी, लेकिन इसमें बैटरी में आपको जल्दी खर्च हो जाएगी, या आपको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी मोटरोला में। ठीक है, इसमें बैटरी आपकी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो गाइस अब आ गया हमारा इन्फिनिक्स का नोट 35G मोबाइल। ठीक है, जो हमारे पास भी अभी पड़ा हुआ है, ये मोबाइल भी इन्फिनिक्स नोट 30 है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ फीचर्स आपको दिखा देता हूँ। देखो ये 8GB रैम और 256GB मेमोरी वाला है, और इसकी कीमत कितनी है गाइस, 14,999 रुपए, यानी कि जो उससे है उससे ये 1,000-2,000 कम है। ठीक है, रियलमी का इससे 1,000 महंगा है, 15,999, और जो मोटो का है वो उससे 1,000 और महंगा, यानी कि मोटो से 2,000 कम रुपए का आपको मिलेगा। ठीक है, तीनों मोबाइल में सबसे कम कीमत का यही मोबाइल है। ठीक है, और देखिए इसमें जो इसकी प्रोसेसर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है सबका, लेकिन इसका जो कैमरा है पीछे का वो है 108 MP का, प्लस 2MP का, और प्लस AI लेंस इसमें देखने को मिलेगा आपको, और फ्रंट कैमरा इसमें 16 MP का आपको देखने को मिलेगा, और डिस्प्ले भी इसकी काफी बड़ी है गाइस, 6.78 इंच की इसमें डिस्प्ले मिलेगी, और LTPS IPS डिस्प्ले है गाइस, और 5000mAh की इसमें बैटरी देखने को मिलेगी गाइस, जो कि बैटरी तो कम है, और इस वजह से क्या होता है, इसकी बैटरी जल्दी खर्च भी हो जाती है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और नेटवर्क टाइप इसमें 5G है। ठीक है, 5G नेटवर्क है, 5G में आपके 14 बैंड इसमें दे गए हैं, जो बहुत ज्यादा है। और गाइस इसमें क्या है, इसमें आप अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हो, 2 TB या 2000GB तक आप इसमें मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, तो आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी।
तो गाइस अभी हमने काफी सारी मोबाइलों की कंपैरिजन देख ली है और आपने देख लिया, और मुझे सबसे ज्यादा तीन मोबाइल है उन सबसे कम कीमत में ये मिल रहा है आपको, ठीक है। और इसमें आप क्रेडिट कार्ड लगाओगे तो आपका 1,000 और कम हो जाएगा, वरना इतने रुपए में भी ठीक है, ठीक है। और गाइस इस फोन को मैं कम से कम 1.5 महीने से यूज कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। सिर्फ बैटरी की इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बैटरी जल्दी खर्च तो हो ही जाती है क्योंकि बड़ा मोबाइल है और बैटरी छोटी दी गई है, इस वजह से इसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। हाँ, लेकिन चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाता है तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती गाइस, ठीक है। और अब अगर मैं तीनों में से आपको बेस्ट बताऊं तो तीनों ही बेस्ट हैं वैसे, लेकिन तीनों में से थोड़ा सा ज्यादा बेस्ट अगर आप कहेंगे कौन सा है तो मैं इसे इन्फिनिक्स नोट 30 को लूंगा गाइस, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप थोड़ा और सर्च कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, वरना अगर ही मानो तो आप इन्फिनिक्स नोट 35G की ओर जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने भी बहुत सर्च किया था लेने से पहले, और मुझे लास्ट में मैंने सिर्फ यही डिसाइड करा कि मुझे ये मोबाइल पसंद आया था, और ये मोबाइल लेने के बाद मुझे बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर देखने को मिले, तो मुझे लगा कि जो अंडर 15,000 है उसमें भाई साहब मुझे और क्या ही मिलेगा, इसमें बहुत कुछ मिल गया मुझे उतने रुपये में, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा महंगे फ़ोन लेता उसमें भी शायद इतनी चीज़ें ना मिलती जितनी इसमें मुझे मिल गई है, तो ये फ़ोन बेस्ट है एकदम से। तो आप इसमें से बिल्कुल सोचो मत, कि आप टेंशन मत लो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फ़ोन बढ़िया है, ठीक है। और इसे आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, अगर ऑफलाइन नहीं मिलता, ऑफलाइन लेने जाओगे तो प्रॉब्लम करेगा, आपको बुरा भला कहेगा भाई ये ले लो, ओप्पो ले लो, वीवो ले लो, दूसरा ले लो, ये अवेलेबल भी कम होते हैं दुकान वालों के पास, तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, ठीक है। तो गाइस अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगली वीडियो में किस पर बनाऊं ये भी मुझे बताना, और गाइस थैंक्स कि आप हमारी वीडियो में कमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।